इस वर्चुअल रैली के माध्यम से हम बिहार के चुनावी समर में कूद चुके हैं। बिहार में बजा चुनावी बिगुल, कोरोना काल में शुरू हुआ चुनावी दंगल, बीजेपी ने मुंगेर में वर्चुअल रैली से भरी हुंकार। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना काल में चुनावी रण शुरू हो गया है। ये अलग बात है कि कोरोना की वजह से चुनावी युद्ध का अंदाज बदला सा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मुंगेर में अपनी वर्चुअल चुनावी अभियान की शुरुआत की है, उससे साफ हो गया है कि अब बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बुधवार को मुंगेर में बीजेपी विधानसभा स्तरीय वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया, जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष राजेश जैन के नेतृत्व में स्थानीय जैन धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस वर्चुअल रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन राजेश जैन, प्रणव यादव, अंजू भारद्वाज, रविंद्र सिंह कल्लू, प्रकाश भगत, बेबी चंकी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस रैली को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि ये वर्चुअल रैली मुंगेर विधानसभा स्तरीय है, इसके साथ ही भाजपा आसन्न विधानसभा चुनाव के मैदान में कूद गई है। बिहार जन संवाद का कार्यक्रम है, ये वर्चुअल रैली है और मुंगेर विधानसभा के निमित्त आज यहाँ वर्चुअल रैली हो रही है। आज इस रैली के मुख्य वक्ता हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। आज वो यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। मंचा सिंह जो हमारी प्रदेश मंत्री हैं वो भी संबोधित करेंगे। बेबी चंकी जी, प्रणव यादव जी संबोधित करेंगे। आज हमारे पूर्व प्रत्याशी जो हैं, आज प्रकाश भगत जी जो हमारे प्रभारी हैं वो भी संबोधित करेंगे। मंच का संचालन रविंद्र सिंह कल्लू जी कर रहे हैं। और आज हम लोग बिहार के अंदर में हमने क्या किया और केंद्र सरकार ने क्या किया, इन सारी बातों को आज मुंगेर के संदर्भ में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्चुअल रैली के माध्यम से हम बिहार के चुनावी समर में कूद चुके हैं और हम अपनी मजबूत दावेदारी हर विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे मुंगेर। बाद में वर्चुअल रैली को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में भी जिस तरह चुनावी अभियान छेड़ दिया है, उससे विपक्ष की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। अब देखना होगा विपक्ष बीजेपी के वर्चुअल रैली का जवाब कैसे देती है। मुंगेर से अभिषेक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।